बैक टू गाइडली। आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन शॉट। ये वन शॉट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं। बेसिकली तीन चीजें करेंगे। बेसिकली आज के वन शॉट में हम तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज बेसिक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं लेकिन ज्यादातर बच्चे वहीं पर मात खाते हैं, तो हो सकता है आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है इसलिए आपके बहुत सारे मिस्टेक्स हो रही हों। सेकेंड चीज हम करेंगे कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया से ट्रिक्स जिसके थ्रू आप सेकेंड्स में आंसर ला सकते हो। थर्ड चीज हम करेंगे सारे ही टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलते हैं, भले ही आप उसका मॉक टेस्ट में जो आपकी प्रैक्टिस पीडीएफ मिली है उसमें आपने ना देखे हो, लेकिन यहाँ पे आपको दिखाए जाएंगे इजी सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, तो जल्दी से रजिस्टर और पेन लेके आ जाओ। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे उसे नोट करते रहना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करना है वरना कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको वीडियो स्किप कर करके नहीं देखनी है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो सारी चीजें आती है, बहुत अच्छी चीजें सारी चीजें आती है, वीडियो की प्लेबैक स्पीड इंक्रीज कर लो। तीन डॉट दिखते हैं उधर क्लिक करो, प्लेबैक स्पीड पे जाओ, इंक्रीज कर सकते हो, स्किप नहीं करना। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर का नाम भले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़नी होती, कम से कम तीन तरह के इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बाकी आगे भी आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले आती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कोई भी इक्वेशन ले लो जिसमें कि हाईएस्ट पावर वन हो। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बोलूँ 2x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये क्या हो गई आपकी लीनियर इक्वेशन। अगर आप इसकी जनरल फॉर्म देखोगे तो वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानोगे, आपको ऑलरेडी पता है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। किसी भी नंबर की हाईएस्ट मतलब पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन गिवन है, बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 है लेकिन क्या 2 हाईएस्ट पावर है, नहीं है, तो ये क्या बन गई आपकी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, देखो इसकी जनरल फॉर्म होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है अभी। ठीक है, आपको अच्छा एक चीज आपको पता होनी चाहिए, एक्स यहाँ पे एक्स एक्स वेरिएबल है और 2 इसका कोफिशियंट है। मैं बहुत बार वीडियो में बोलूंगी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है 2 है, x क्यूब का कोफिशियंट क्या है 9 है, x का कोफिशियंट क्या है 2 है, y का कोफिशियंट क्या है 3 है। ठीक है, ये चीज आप छोटी सी याद रख सकते हो। फिर जो लास्ट में अकेला नंबर लिखा होता है इसे बोलते हो कांस्टेंट। क्या बोलते हो, कांस्टेंट। इन सारी चीजों की मैंने डिटेल्ड वीडियो दे रखी है गाइडली 2.0, इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच इट। ठीक है, उसमें सारे बेसिक्स ही है, आई गेस 17-18 मिनट की वीडियो है वो। ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने समझाए हुए हैं। तो यहाँ पे आगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गई, लीनियर समझ आ गई और क्यूबिक भी समझ आ गई है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होता है थोड़े से, तो आपको नहीं होना है। लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स, लीनियर इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स सिर्फ एक ही आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इनडेफिनेट रूट्स आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे वो दो लाइन इंटरसेक्ट करें। कभी दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे होती हैं सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसलिए सिर्फ एक ही रूट आएगा हमेशा। कितना रूट पॉसिबल है, सिर्फ एक रूट। अब आप कहोगे भाई ये रूट क्या है पता आपको रूट क्या है, पता होगा राइट। तो रूट जीरोज, फैक्टर्स या फिर सोल्यूशन, ये सब एक ही हैं। जैसे भगवान जी एक ही हैं, रूप बहुत सारे हैं, ऐसे ही रूट जीरो फैक्टर सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, नाम बहुत सारे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको कुछ भी एम ही दे दूँ, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको लीनियर इक्वेशन दिया, क्वाड्रेटिक बाद में समझ लेना। ठीक है, सपोज मैंने बोला ये लीनियर इक्वेशन है, आपको इसका निकालना है रूट। ठीक है, रूट का मतलब है कि इस इक्वेशन में तुम कोई भी नंबर पुट करो और फाइनल आंसर जीरो हो जाए। रूट का मतलब है इस इक्वेशन में तुम कुछ भी वैल्यू पुट करो और वो वैल्यू पुट करने के बाद फाइनल आंसर जीरो हो जाए। सपोज मैंने बोला यार x की जगह मैं यहाँ 2 पुट करके देखती हूँ, तो 2 यहाँ पे भी 2 करा, 2 4 8 सॉरी 2 2 4 4 2 माइनस का साइन है 8,
प्लस फोर, अब फोर प्लस फोर तो एट हो गया और एट माइनस एट क्या हो गया, जीरो। तो आप क्या बोलोगे, एक्स इज इक्वल टू टू इसका रूट है। अब आपको यही चीज मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं रैंडम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देती हूँ, ठीक है। ऐसी तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, मैंने रैंडम ऐसी कुछ भी ले ली, ठीक है। तो फोर के क्या फैक्टर्स निकाल लो, क्योंकि प्लस माइनस करके फोर आ जाए, आप कहोगे भाई टू टू, टू टू जा फोर और टू प्लस टू क्या होता है, फोर होता है, ठीक है। ये मैं तब बता रही हूँ अगर आपको ऑलरेडी आती है, नहीं आती है तो मैं आपको एक मतलब शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सपोज मैंने बोला यहाँ है माइनस का साइन, माइनस प्लस के फैक्टर हमेशा प्लस प्लस में आते हैं, ये याद कैसे करते हैं या फिर याद रखने की ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। चलो तो यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू माइनस प्लस के फैक्टर हमेशा प्लस प्लस में आते हैं, तो मैंने बोला एक्स की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास टू आ रही है, तो अगर मैं इस वैल्यू में इस इक्वेशन में टू पुट करके देखो तो मेरा आंसर सही आना चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल आना चाहिए, और नहीं आ रहा है मतलब दिक्कत है, ठीक है। टू का स्क्वायर फोर, फोर टू जा एट और यहाँ पे फोर, ठीक है। फिर से वही हो गया, फोर प्लस फोर एट और एट में से एट जाएगा तो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप समझ गए रूट जीरो फैक्टर सोल्यूशन समय की चीज होती है, और आपको हर बार हर क्वेश्चन में इस पूरे चैप्टर में यही निकालने हैं, ठीक है। चलो आपको बहुत अच्छे समझ आ गया, अब आते हैं वापस लीनियर इक्वेशन में, हमेशा दोनों नंबर का एक एक रूट आएगा, आपको दो इक्वेशन देंगे, कह देंगे एक्स की वैल्यू फाइंड करो वाई की वैल्यू फाइंड करो और दोनों को कंपेयर करो कि एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है, क्या एक्स बड़ा है वाई बड़ा है या दोनों इक्वल हैं, ठीक है, या कोई रिलेशन नहीं है, जो भी आपको बोलेंगे। अब इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स आएंगे, ठीक है, हमेशा कितने आएंगे, मैक्सिमम टू रूट्स। अगर इसी तरह से आपको क्यूबिक इक्वेशन दे दी जाए तो वहां पे मैक्सिमम कितने आएंगे, थ्री रूट्स, ठीक है, थ्री रूट्स आएंगे, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं बोल दूं कि अच्छा चलो ठीक है ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, मैंने मान ली ठीक है सब सही है, लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैंने बोला एक्स क्यूब माइनस 1331 इज इक्वल टू जीरो, ये किस तरह की इक्वेशन है बताओ। मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है, तो आपके दिमाग में सीधा चला भाई क्यूबिक इक्वेशन है, आप अब तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लेकिन आपने कभी ये सोचा नहीं। अब एक चीज बता दो मुझे, एक्स क्यूब की वैल्यू 1331 है, आपके दिमाग में सीधा चला भाई 11 आंसर है, चला कि नहीं चला, क्योंकि आपको पता है 11 का क्यूब 1331 है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पे तो आपने बोला था कि भाई तीन जीरो आएंगे, हमारा तो एक ही आया है, एक्चुअल में वो 11 11 11 तीन बार है तो तीन आए हैं, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल गिवन था, इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसा आया है। अगर ऐसी कोई इक्वेशन आपके पास आई तो आपके तीन अलग अलग रूट्स आएंगे, ठीक है। इस तरह के मतलब हम काफी सारी चीजें आज कवर करेंगे जो कि हो सकता है आपने पहले ना कवर करी हो जी। तो अगर आप लॉन्ग मेथड देखने में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ मैंने लिख दिया है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग मेथड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि ये तो हम यूज करेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब आप ये सोचोगे भाई ये क्या चीज आ गई, ये तो पहले देखी भी नहीं है, ठीक है, ये आपने देखी है क्लास टेंथ में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्चुअल में है क्या, ये अल्फा बीटा आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, एक्स स्क्वायर अच्छे से समझ आ रहा है, एक्स समझ आ रहा है भाई, वेरिएबल्स है, लेकिन ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा एक्चुअल में जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स गिवन है। अब ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ, क्योंकि ये आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप में एक्चुअल में यूज होने वाले हैं और ये शॉर्ट ट्रिक हम लगाएंगे, इसके थ्रू बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा आपको बस ये याद रखना है कि यही रूट्स होंगे उस इक्वेशन के। दूसरी चीज, आप इस इक्वेशन के थ्रू, ये जो मैंने आपको जर्नल फॉर्म दी है इसके थ्रू, अगर एक इक्वेशन के आपको जीरोस गिवन है तो उन जीरोस के थ्रू आप इक्वेशन तक वापस जा सकते हो। सपोज मैंने बोला कि आपके पास एक इक्वेशन है और जीरोस हैं सपोज टू एंड थ्री, तो आप उन जीरोस को पकड़ के उसकी इक्वेशन तक जा सकते हो कि एक्चुअल में इक्वेशन क्या रही होगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, है ना। लेकिन आज हम ये नहीं समझेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी उसमें इंटरेस्टेड हो तो गाइडली 2.0 पर ये वीडियो पड़ी हुई है, अप्रॉक्स 18 मिनट्स की वीडियो है, आप दिख जाओगे, अब गलती नहीं होगी करके उसके थंबनेल है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। उसमें काफ़ी अच्छे से मैंने काफ़ी डीप में ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, ठीक है, जितनी नेसेसरी हैं उतनी ही डीप में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चल तो अब चलते हैं फाइनली हम क्वेश्चंस के। हाँ जी, तो आप
ट्राई कर लेते हैं, जरा बेसिक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर अच्छे लेवल पे चलेंगे। देखो आपके पास बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन गिवन है, आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, 6 × 1 क्या आता है, 6। इसके फैक्टर्स क्या होता है, मतलब अगर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, आप कहोगे भाई एक तो 2 आएगा और एक 3 आएगा, 2 × 3 = 6 होता है। अब 2 और 3 को क्या करा जाए कि 5 आ जाए, आप कहोगे भाई प्लस कर दो। ठीक है भाई, तो मैं ऐसी साइन के साथ लिख देती हूँ 3 और 2। ठीक है भाई, अब देखो वाई के आगे कोई नंबर नहीं है तो सिर्फ 12 के फैक्टर निकाल लेते हैं, हर बार ये करेंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 12। अब देखो तुम्हें लाना है माइनस का 4, ठीक है, तो सिर्फ 4 लाना है बेसिकली, ये ध्यान रखो, 3 × 2 = 6 और 6 − 2 होता है आपके पास 4। ठीक है, अब जरा साइन डिसाइड कर लेते हैं, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक शेयर करूंगी, यहाँ प्लस है तो माइनस लगा दिया, प्लस है तो माइनस लगा दिया, माइनस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अगर आपको ये याद नहीं रहता है ना, मैं आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, आपको बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ −2 और −2 इक्वल है, मतलब कहीं तो ऐसा है कि एक्स और वाई इक्वल है। अब देखो −3 + 6 से छोटा है और −3 − 2 से भी छोटा है, तो मतलब क्या पता चला कि x छोटा है y से या फिर इक्वल है y के। तो पहला आंसर आपके पास आ गया, बहुत बढ़िया, ये हमने काफी स्लो स्पीड में करा। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा फास्ट करना है, अब करते हैं थोड़ा सा अच्छा वाला क्वेश्चन। देखो 12 है तो 2, 2, 3 फैक्टर्स आ गए, यहाँ पे 5 ऐसे ही रहेगा। अब आपको लाना है 4, तो क्या करो 15 − 4 तो नहीं आएगा, 3 × 2 = 6 और 5 × 2 = 10, 10 − 6 आ जाता है 4। अब साइन देखो, पहला साइन माइनस है तो उल्टा कर दो, माइनस है तो सेम साइन लगा दो। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं नहीं भी लूँ तो हम एक और चीज़ यूज़ कर पाएंगे। अभी देखो सिंपली करते हैं इसे, 2, 2, 2 है, अच्छा 8 − 4 तो 4 ही होता है, 8 और 4, माइनस माइनस है तो फिर से यहाँ प्लस माइनस आ गया आपके पास साइन, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी सॉल्व कर पाएंगे, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, अभी इसे सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखो कोफिशियंट, यहाँ 8 है और यहाँ 12 है, मतलब इक्वली तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे ये। अब बहुत सारे टीचर्स क्या कराते हैं यहाँ पे कि भाई 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है, लेकिन मैं क्या कराती हूँ कि भाई 8 से डिवाइड करने की जगह यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई ये क्या हो गया, ये क्यों करा रहे हैं, ये मेथड तो गलत है, ये मेथड बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल वेरीफाइड मेथड, आपका 100% सही आंसर आएगा। और जो बच्चे कभी कभी डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई में साफ साफ दिख जाता है कि यार ये नंबर बड़ा है ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, देखो 8 और 12 दोनों 4 के टेबल में आते हैं, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो आप क्या करो इस वाले रूट को मल्टीप्लाई करो 3 से और इन वाले रूट को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से। ठीक है, ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप एलिमिनेशन सॉल्व करते हो, एलिमिनेशन के थ्रू लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पता चल जाएगी। अभी देखो यहाँ क्या आ गया, 20 − 12 = 24 − 12। अब आप देखो −12 तो −12 के इक्वल है, ठीक है, और −12 = 24 से छोटा है, लेकिन 20 − 24 से छोटा है, लेकिन 20 − 12 से बड़ा है, कहीं बड़ा कहीं छोटा कहीं इक्वल, भाई क्या चला पड़ा है, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कभी भी अगर बहुत सारे साइन एक साथ आ जाए, स्पेशली ग्रेटर और स्मॉलर साइन एक साथ आ जाए, मतलब वहाँ नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये कोफिशियंट वाला फंडा भी इतना अच्छे से क्लियर नहीं है, आते आते हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ ट्रिक्स जो कि आपको एक्चुअल में यूज करनी है, जिसके थ्रू आप सेकंड्स में आंसर ला सकते हो। देखते हैं आपका लाइफ हैक 1 क्या कहता है। अगर आपके पास कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी कैपिटल ए स्मॉल ए से कंफ्यूज नहीं होना है, ये सिर्फ नंबर्स को डिनोट करते हैं कि नंबर अलग अलग है। मैंने बोला आपके पास कोई भी रैंडम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूँ मैं क्या लिख रही हूँ, लेकिन कुछ लिख रही हूँ और वो इस कंडीशन में फिट होने वाला है। देखो कह रहे हैं अगर कॉन्स्टेंट के आगे माइनस का साइन हो, कॉन्स्टेंट के आगे माइनस का साइन हो, तो बिन सोचे बिन समझे CND टिक कर दो, आपका आंसर 110% सही होगा। सुना आपने, CND टिक कर दो, अगर कॉन्स्टेंट के आगे माइनस का साइन है और वो पूरी इक्वेशन पूरी तरह से फॉर्म्ड है। पूरी तरह से फॉर्म्ड है मतलब क्या है भाई इसका, देखो सपोज मैंने बोला आपके पास एक इक्वेशन है −5 कुछ ऐसा गिवन है आपके पास, −15, ठीक है, ऐसा आपके पास गिवन है, तो आप देख सकते हो भाई कांस्टेंट 2 है तो दिक्कत है, इसे आपको पूरा पहले सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आएगा ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा।
अब कांस्टेंट इसका प्लस में नहीं है तो बाय ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। अगर आपने यही चीज देख के सी एन डी पे टिक कर दिया तो आपको गलत होगा, है ना, वरना हर एक सिचुएशन में ये आपका सही होने वाला है। अब सी एन डी को आप बहुत सारी चीजें बोलते हो, जैसे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई या फिर नो रिलेशन, और कभी कभी नो रिलेशन के साथ साथ आपका एक्स इज इक्वल टू वाई भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले ट्रिक समझ आई। हाँ जी, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हमने इतना सब कुछ सॉल्व करा, क्या हम करते अगर हमें ट्रिक पता होती? नहीं करते। तो क्या एक एवरेज बच्चा जिसे ट्रिक नहीं पता है इस ट्रिक को सॉल्व करेगा? इस क्वेश्चन को तो पूरा ही सॉल्व करेगा ना। और जिसे ट्रिक पता है वो क्या देखेगा? भाई कॉन्स्टेंट के आगे माइनस है, कॉन्स्टेंट के आगे माइनस है, सी एन डी पे ट्रिक टिक करो और आगे बढ़ो, ठीक है। अब आपको कहोगे अच्छा एक बात बताओ भाई, यहाँ पे देखो प्लस है, यहाँ पे भी फॉर्मूले में प्लस लिखा हुआ है, यहाँ देखो यहाँ तो माइनस है, यहाँ भी देखो माइनस है। सुनो, आपको सिर्फ कांस्टेंट के आगे का साइन देखना है और सब प्लस माइनस कैसे भी हो आपको कोई देखते हैं। आपका लाइफ सेविंग हैक टू क्या है? कह रहे हैं कांस्टेंट के आगे अगर प्लस का साइन है, कांस्टेंट के आगे अगर प्लस का साइन है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या किस तरह से आएगा? सपोज मैंने बोला कोई रैंडम इक्वेशन में ले रही हूँ फिर से, अच्छा इसमें तो प्लस ही है ना, हाँ ठीक है, 2x² - 5x + 9। मैं इस तरह से कोई भी रैंडम इक्वेशन ले ली हूँ तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हो दोनों कांस्टेंट के आगे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे अच्छा मैंने x एक्स ही ले लिया, वाई ले लेते हैं, एक में तो वाई चाहिए भाई हमें, ठीक है। तो x और y का आपको रिलेशन बताना होता है हर बार, तो आप क्या देखोगे या तो यहाँ पे दो चीज हो सकती है, तो x बड़ा होगा या y बड़ा होगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन, ये शॉर्ट ट्रिक, ये ट्रिक आपकी तब काम करने वाली है जब दोनों में से किसी एक इक्वेशन के बीच वाले टर्म के आगे माइनस का साइन हो, एक में माइनस हो एक में प्लस हो, तो वो आपकी बढ़िया फिट होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, आपको देखना है जिसके आगे माइनस का साइन है भाई वो बड़ा है, बताओ जिसके आगे माइनस का साइन है वो बड़ा है। कब होगा? जब कांस्टेंट के आगे दोनों प्लस का साइन है और बीच वाले एक्स के कोफिशियंट के आगे, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो जिसके आगे माइनस वो बड़ा है। ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ आ गई होंगी धीरे धीरे करके, अगर आपको साइन कन्वेंशन पता है, जो कि होने वाली है हमारी थर्ड ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं आपको एक और रैंडम एग्जांपल दे दूं तो आप उसे जल्दी से मुझे बताओगे? बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ क्या है? सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों? क्योंकि दोनों माइनस में है। ये समझ आई भाई? इसके ये समझा रही हूँ, जरूर थोड़ा इसका एग्जांपल दो, समझो बात को, ठीक है। अब मैंने बोला चलो मैंने प्लस प्लस कर दिया और ये मैंने माइनस कर दिया, अच्छा यहाँ पे एक्स ही है, यहाँ है वाई और यहाँ है वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब बताओ क्या होगा भाई? दोनों आगे प्लस का साइन है, माइनस वाला बड़ा होगा, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो आपको समझ आ गई ना यहाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है? सेकंड ट्रिक आपको पसंद आई? बहुत बढ़िया। अगर आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलो चलते हैं हम अपनी थर्ड, आपके पास आ गया है लाइफ हैक नंबर 3, और ये वो लाइफ हैक है जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये आता होगा, लेकिन अगर आपको इसे याद करने में दिक्कत होती है तो ऐसे याद कर सकते हो। देखो क्या है ना, फर्स्ट जो लाइन आपके पास जो भी है, अभी फर्स्ट लाइन है क्या भाई? हम साइन की बात कर रहे हैं कि बी के आगे कौन सा साइन है और सी के आगे कौन सा साइन है, मतलब एक्स वाले एक्स के सामने जो भी नंबर लिखा होता है उसके आगे क्या साइन है और नॉर्मल नंबर के आगे क्या साइन है। अब जैसे कि मैंने बोला ये वाली इक्वेशन है, लिखे 8x + 9 = 0, तो देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो कौन सी कंडीशन है भाई? प्लस प्लस वाली। तो अगर क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से गिवन है, किसी भी साइन के साथ गिवन है, आपको प्लस बी और सी का ही साइन देखना है और आपके पास सोल्यूशन का आंसर आ जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन का आंसर आएगा ये कैसे देखते हैं, कैसे आपको, अगर आपको ये चीज याद नहीं होती है तो आप ट्रिक के थ्रू कैसे याद रख सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है हमेशा उल्टा लिखो, मतलब बी के आगे जो भी साइन है उसका उल्टा लिखो। यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, ठीक है। क्या चीज इजी है? बहुत इजी है। अच्छा देखो ये जो प्लस है ना ये अच्छा नहीं है, ये जो प्लस है ये अच्छा नहीं है, तो इसे देख के हर एक इंसान अपना रंग बदल लेता है। प्लस अच्छा नहीं है इसलिए हर एक इंसान इसे देख के अपना रंग बदल लेता है। भाई प्लस ने देखा पीछे, भाई ये तो अच्छा इंसान है रंग बदल लो, मतलब माइनस हो जाओ। माइनस ने देखा पीछे, भाई ये तो प्लस है अच्छा इंसान नहीं है तो रंग बदल लो, हो जाओ माइनस, ठीक है। अब इसने देखा प्लस ने, अब प्लस अच्छा नहीं है लेकिन माइनस तो अच्छा है। प्लस ने देखा पिछली साइड, अरे रे ये तो माइनस है यार, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, मैं तो सेम ही रहूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ है माइनस, माइनस ने फिर से पिछली साइड देखा, भाई ये तो अच्छा इंसान है, मैं तो सेम ही रहूंगा, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या देखना है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको रैंडम ये दे रही हूँ,
अब आप हर बार टेबल नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया पहले कि हमेशा जो भी रूट आ रहा है 7, 3, 10 है, 10 और 1। अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने रैंडम ली थी लेकिन बन गया ना फैक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या है, आपको हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है। यहाँ से बहुत 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 सारे बच्चों की गलतियाँ होती हैं, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना है, छोटा नंबर बाद में लिखना है, बहुत सारी गलतियाँ अवॉइड हो सकती हैं, ठीक है। अभी देखो प्लस का है तो साइन उल्टा माइनस, अभी माइनस ने पिछले साइड देखा, भाई ये प्लस तो बहुत ही बुरा इंसान है, मुझे तो रंग बदलना पड़ेगा, तो माइनस प्लस आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है, समझ गए। क्या ये इजी लगा? बहुत इजी लगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, वरना अपनी नोटबुक में कहीं लिख लो, वो भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, और इससे पहले वाले 2 लाइफ हैक आपने लिख ही लिए होंगे, राइट। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें, अच्छी बात है, अब आपको लाइफ हैक्स आ चुके हैं, आपको ट्रिक्स पता है, आपकी स्पीड भी अच्छी है, तो जरा बेसिक्स को ट्राई करो 20 सेकंड मिनट पाने की। और ये वाला क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा, तो आप इसे कोशिश कर सकते हो आई गेस 40 सेकंड मिनट पाने की, अगर आपने इसे 40 सेकंड में निपटा दिया मतलब हाँ अच्छी चल रही है तैयारी, ठीक है। और फिर ये एमवी क्वेश्चन है, मतलब सही लगा, आप कर लो, देख लो, ट्राई कर लो। अच्छा मेन चैलेंज इधर है, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन 30 to 35 seconds? अगर आपने ये कर लिया मतलब इतनी तगड़ी, बहुत ही सही, आपकी कैलकुलेशन स्पीड और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। लेट्स सी आप इसे कितना टाइम लेते हो, ठीक है, कितना टाइम लिया लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भाई पेयर क्या बनाऊं, सो लेट मी टेल यू, यहाँ पे एग्जामिनर आपको थोड़ा सा ज्यादा ही कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। यहाँ देखो वो क्या कर रहे हैं, अगर आप देखोगे 899 आपको यही नहीं समझ आएगा, इस समय डिवाइड किससे करो, फैक्टर्स क्या है इसके, यही नहीं पता चलेगा। सेम विद हियर 667 को आपको यही समझ नहीं आएगा, भाई ये प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर है तो इसे सॉल्व कैसे करूं, वरना इसके फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर आप काफी एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत सारे कैलकुलेशन की चीजें करते रहते हो, तो आपको समझ आ जाएगी कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो फैक्टर्स तो आपको पता चल जाएंगे, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत टाइम लगाओगे, लेकिन क्या वो टाइम हमें लगाना है, नहीं लगाना है। तो मैं आपको बताती हूँ एक लाइफ हैक जो आपको ऐसे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में। देखो क्या करना है, आपको पता है 52 है, ठीक है, आपको देखना है कौन से 2 नंबर है जिन्हें प्लस करके 52 आ जाए और जिन्हें मल्टीप्लाई करके 667 आ जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 52 के ऐसे पेयर्स बना लेती हूँ और देखती हूँ किन्हें मल्टीप्लाई करके 667 आता है, जो बैठ गया वो आंसर। समझे बात को क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब देखो 52 के मैं सबसे सिंपल लेती हूँ 26 और 26। अब आपको पता है 26 का स्क्वायर 667 तो नहीं होता है, तो मैं इसके थोड़े आस पास चलती हूँ। अब मुझे एक चीज समझ आ रही है, अगर 26 होता तो ये नंबर सीधा सीधा 2 से कट जाता, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, मतलब बेसिकली। और अगर आप इसे प्लस करो 12 12 प्लस 7 19, तो 3 से भी नहीं कट रहा है, 2 3 से तो नहीं कटेगा, सिंपल सी चीज़ है। 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, सिंपल डिविजिबिलिटी रूल्स आपको आते हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या चेक करो, हमेशा चेक करो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मल नंबर्स की जगह हमेशा प्राइम नंबर्स चेक करो, पेयर किसके बनाओ, प्राइम नंबर्स के। 26 से छोटा ले लो, 26 से बड़ा ले लो, 26 से छोटा सपोज मैंने ले लिया 23, ठीक है। अब 26 से बड़ा सपोज मैंने ले लिया 29, अब देखो 9 3 27, मोस्ट प्रोबेबली ये सही है, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लो 23, मल्टीप्लाई करके देख लो, छोड़ो, ठीक है, 27 2 8 18 5 8 8 19 16 1 6 6 7, ठीक है। तो हमारा चीज सही था, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करके ही ये आ रहा है। अब देखो मैंने आपको समझाया मुझे टाइम लग रहा है, आप करोगे आपको टाइम थोड़े ना लगेगा, आप देखोगे 52 के कौन से ऐसे प्राइम नंबर से जिन्हें मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे भी तो हम सेम चीज ही करेंगे, भाई देखो 60 का सपोज मैंने बोला 30 30 तोड़ लिया मैंने, ठीक है, अब ये भी प्राइम नंबर्स का ही है, क्योंकि यहाँ से मुझे डिविजिबिलिटी रूल समझ नहीं आ रहा है भाई किससे डिवाइड हो रहा है ये। तो मैंने कहा 30 के आगे तो 31 आता है और उससे पहले 29 आता है, ठीक है, अगर ये हो गए ठीक है, उससे वरना 31 के बाद क्या आता है, 33 34 35 36 37 37, ठीक है। और यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 7 बढ़ गया है, तो इसमें से 7 घटा लो मतलब 23, ठीक है, आप समझ रहे हो किस तरह से हो रहा है। जितना इस नंबर में से नंबर एक पाने के लिए जितना बढ़ा रहे हो उसमें से उतना ही घटा लो, अगर आपको ये लॉजिक नहीं दिमाग में बैठा है तो क्या करो भाई, 37 है, 37 में मैं कितना प्लस करूँ कि 60 आ जाए, भाई 23 प्लस करना पड़ेगा। अब देख लो भाई किन्हें मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 9 आ रहा है, तो ये तो 21 होता है, ये दोनों हमारा सही पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया ना हम किस तरह से निकाल रहे हैं, इसका आगे 29
और 23, ये चीज ध्यान रखो हमेशा पहले बड़ा नंबर लिखना है। इसमें क्या था हमारा 31 और 29, ये कबाड़ा में रेस कर देती हूँ अभी। चूंकि हम सेकंड टाइप है, फर्स्ट हमारा बेसिक टाइप था जहां पे कि आपको कुछ लेंथी कैलकुलेशन मिल सकती है या फिर प्राइम नंबर मिल सकता है जो कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना सकता है या फिर वियर्ड बना सकता है। लेकिन अब आ चुका है हमारे पास फ्रैक्शन टाइप। यहाँ पे आपको फ्रैक्शन या रूट में कुछ अटपटे सवाल मिलेंगे जो कि आपको थोड़ा सा कहेंगे यार ये क्या चीज है, लेकिन ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है जब आप इसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स है सेम ही है, मतलब एलसीएम आ गया रूट एक्स, ठीक है। अब ऊपर प्लस है, नॉर्मल नंबर्स है तो प्लस होके 10 आ गया। अब यहाँ देखो यहाँ है 5 रूट एक्स, अब ये रूट एक्स मल्टीप्लाई में दूसरा यहाँ पे डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई चला जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 5 रूट एक्स और रूट एक्स। अब आप सोचोगे भाई आधा और आधा प्लस होके क्या बनता है, एक बनता है, या फिर इस तरह से सोच सकते हो क्योंकि यहाँ पे पावर हाफ है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, या फिर इस तरह सोच सकते हो कि दो बार लिखा है तो इसका स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। बेसिकली यहाँ पे आ गया 5x इज इक्वल्स टू 10, अब 5 से कटाए 2 बार में x की वैल्यू आ गई प्लस का 2। बहुत ईजी था, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको आई गेस 3 सेकंड लगने चाहिए क्योंकि आपको पता है यहाँ पे रूट एक्स है, इस साइड ले जाओगे तो 5 बन जाएगा, मतलब 5x बन जाएगा, उस साइड 10 है 2 करके आ गया, आ गई सीधा वैल्यू। यहाँ देखो यहाँ भी ईजी है, देखो 625 25 का स्क्वायर होता है, 256 16 का स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस दूसरा जाके माइनस तो 9 आ गया, यहाँ y स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए या फिर सिर्फ प्लस का 3 आना चाहिए। अभी चलो मैं आपको एक चीज़ बता ही दूँ या आगे बताऊँ, चलो ठीक है यहाँ नहीं बताते आपको आगे बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन वो आगे बताएंगे। यहाँ सिंपली देखो आपके पास क्या है, x की वैल्यू है प्लस 2 और y की वैल्यू है प्लस माइनस 3, प्लस 3 प्लस के 2 से बड़ा है और माइनस 3 से छोटा है, तो क्या बोल दोगे भाई, छोटा बड़ा एक साथ आ रहा है तो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। चलो तो आई गेस यहाँ पे वैसे भी साइन कन्वेंशंस का हम यूज कर सकते थे लेकिन यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कांस्टेंट पता करने में दिक्कत होती है इसलिए हमने साइन कन्वेंशंस का ऐसे यूज नहीं करा, वरना आप कर भी सकते थे, ठीक है। चलो सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन काफी ईजी था, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। बस ये क्वेश्चन आएगा तो आप इसे करोगे या सोचोगे स्किप करके नेक्स्ट पे देखता हूँ, इसे बाद में देखूंगा। देखो ये आपको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो 25, 9, 4 सबके नीचे एक्स स्क्वायर है, ये जब इधर प्लस में दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, 9 - 4 आपके पास 5 आ गया, अब वो 5 प्लस का होगा तो 25 में प्लस करके आप 30 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। ये प्लस माइनस हमने सिर्फ और सिर्फ इसलिए करा क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर सेम था, अगर वो डिनोमिनेटर इसकी तरह अलग हो जाता तो हम उसे प्लस माइनस नहीं करते, ठीक है, एकदम क्लियर है बात। -12 अपॉन एक्स, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं रखा हमारे पास करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, देखो आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप एलसीएम ले लो, और अगर आपको एलसीएम लेना पसंद नहीं है तो देखो यहाँ बड़ी पावर क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, ये कट जाएगा, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा बेसिकली कुछ इस तरह से, तो एक एक्स से स्क्वायर कट जाएगा तो 12x बचेगा, बेसिकली 30 - 12x, ठीक है। अब ये 12x दूसरी साइड चला जाएगा तो 30 = 12x, 12 से घटा 12 × 2 = 24 और 5, 2.5x की वैल्यू आ चुकी है और ये बिल्कुल पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे समझ आई कि किस तरह से चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर सिंपली पॉइंट में गिवन है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, 6 में से गया 2 और 7.20, 720 आप इसे मान सकते हो अगर आपको डेसिमल पसंद नहीं है, ठीक है। यहाँ ये प्लस में है, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा तो 0.95, 100 माइनस करोगे तो 620 और 6.25 अगर y स्क्वायर की वैल्यू है, 6.25 अगर y स्क्वायर की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास पता है 2.5 हो जाएगी। अब आप यहाँ सोचोगे स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब दो मुखी इंसान होगा, प्लस माइनस दोनों आने वाले हैं, क्या होगा प्लस माइनस दोनों आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो x की वैल्यू 2.5 आई लेकिन y की वैल्यू 2.5 प्लस और माइनस की आई, तो प्लस वाली चीज़ तो सेम हो जाएगी x और y में, और y जब माइनस का हो जाएगा तो x उससे बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। फाइन, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था,
है ना, हमने बहुत जल्दी से इसे निपटा दिया। जरा ट्राई करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आता हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना आता हो, लेकिन एक चीज जरा यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, हाँ साइन कन्वेंशन आप देखोगे तो भाई कॉन्स्टेंट के आगे माइनस, कॉन्स्टेंट के आगे माइनस, ट्रिक याद आ रही है। ये आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए पहले देखा करो, ठीक है, दोनों के आगे माइनस आ रहा है तो हमारे अकॉर्डिंग सी एन डी आंसर आना चाहिए, हम इसे आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, है ना। लेकिन आप कहोगे यार मेथड तो मुझे आना चाहिए ना, मुझे मेथड तो सिखा दो कैसे करना है। तो भाई देखो कैसे करना है, यहाँ पे जो भी चीज है देखो, हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। वन को एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर, फोर को एक्स स्क्वायर से और ट्वेल्व को एक्स स्क्वायर से, आप अपॉन में जो भी लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बहुत बढ़िया। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, बन गई इक्वेशन। बहुत ईजी थी, बहुत बढ़िया करा। चलो यहाँ देख लो कि यहाँ पे इतना स्टेप लिखा था, यहाँ लिखोगे नहीं लिखेंगे भाई, क्या करना है y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 15 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, बन गया, बहुत जल्दी बन गया। अभी आपको पता है सी एन डी आंसर आने वाला है, लेकिन फिर भी सॉल्व करके देख लो, मन को तसल्ली दे लो, ठीक है। 15 को लिखेंगे, 5 3 15 आपको लाना है 14, तो 5 ये हाँ ठीक है, तो 9 5 45 और 9 5 14, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन देख लो भाई, पहला प्लस है तो साइन उल्टा, प्लस बुरा है तो भाई माइनस करेगा, मैं तो साइन चेंज कर लूंगा भाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 12 का बनाना है, 12 का क्या बनाओगे, 4 3 12 2 2 3 है ना, 6 माइनस, ठीक है, प्लस का साइन उल्टा, प्लस है तो कहेगा भाई मैं तो साइन चेंज कर लूंगा। अब आप क्या देखोगे भाई, कोफिशियंट देखो, यहाँ तो 3 है, यहाँ क्या है, यहाँ है 3, तो भाई यही 3 या तो यहाँ डिवाइड कर लो, नहीं पसंद है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो भाई, हम तो मल्टीप्लाई वाली पार्टी है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 18 प्लस 6, यहाँ देखो माइनस 9 प्लस 5। अब देख लो भाई, माइनस 9 6 से छोटा है, माइनस 9 18 से बड़ा है, एक से छोटा एक से बड़ा, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सी एन डी कुछ भी लिख दो, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, समझ आया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था ट्रिक यूज करके, हमारा आंसर सही आ गया था, ठीक है। आपको चीजें समझ आ रही है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है। करते हैं अब जरा नेक्स्ट टाइप, हमारा फ्रैक्शन हो चुका है, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके पास थर्ड टाइप, इस टाइप को हम बोलते हैं पावर का खेल, बेसिकली रहेगा तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही हो, मतलब आपके पास जो इस बार क्वेश्चंस आएंगे वो अलग अलग पावर से हो सकता है, जरूरी नहीं पावर 2 हो, 3 4 7 9 10 कुछ भी हो सकती है, आपको वो सिंपली सॉल्व करनी है। तो देखो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एक छोटी सी चीज ट्रिक कर जाती है जिसकी वजह से वो ज्यादातर सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उस चीज पे हम थोड़ा ध्यान देंगे। देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1156, अब आपको पता है कि 34 का स्क्वायर होता है, तो एक्स की वैल्यू आ गई 34, ठीक है, क्योंकि एक्स के स्क्वायर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो वाई क्यूब की वैल्यू है 35937, यही है। अगर आपको इसे निकालने की ट्रिक आती है बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आती है तो आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आप कितने नंबर्स का ऐसे बैठ के स्क्वायर निकालोगे, मतलब एलसीएम कितने नंबर का करोगे या फिर कितने नंबर का बैठ के क्यूब निकालोगे, पॉसिबल नहीं है। तो ट्रिक सीख लो, आपको क्या करना है, जो भी डिजिट है दो टीम्स में डिवाइड कर लो, लास्ट वाली टीम में 3 डिजिट होने कंपलसरी है, चाहे इस टीम में एक ही बचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको हमेशा क्या देखना है कि लास्ट वाली टीम में 3 डिजिट होने कंपलसरी है। अभी देखो लास्ट डिजिट क्या है, 7, तो 7 कौन सा ऐसा नंबर है जिसका क्यूब 7 सेंड होता है, 3 है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 7 सेंड होता है। अभी देखो 35 से छोटा किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो 64 तो बड़ा हो गया, तो 33 आपके पास आंसर है। अभी देखो बात आती है साइन डिसाइड करने की, यहाँ पे भी आपके दिमाग में चल रहा होगा, देखो साइन हमेशा याद रखना है, कोई भी अगर इवन पावर है, कोई भी अगर इवन पावर है तो हमेशा प्लस माइनस दोनों के साइन हम लेते हैं, कोई भी इवन पावर है तो प्लस माइनस दोनों के साइन लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस का 34 आ जाएगा। अब वाई है, ये ऑड पावर है, ऑड वाले बड़े ही भोले होते हैं, इवन वाले बहुत ज्यादा चंट चालाक होते हैं, हमेशा दो शक्ल छिपा के रखते हैं, पता नहीं कौन सा प्लस निकल जाए कौन सा माइनस,
लेकिन ये ऑड पावर वाले बहुत भोले होते हैं। और भाई जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ प्लस का साइन है, मतलब कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो आंसर में भी आपके पास माइनस आता, फाइन। तो इसे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है, क्योंकि प्लस का 34 33 से बड़ा है और माइनस का 34 छोटा है, तो नो रिलेशन आपके पास, आंसर आ चुका है यहाँ पे। लेकिन अब एक सोचने वाली बात है, आपको एक चीज याद रखनी है। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 121 है, तो आपके दिमाग में क्या आया, भाई पावर इवन है, मतलब दो शक्ल है इस इंसान की, मतलब इस नंबर की, तो प्लस माइनस 11 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैं आपको इसी तरह से ये क्वेश्चन दूं, x इज इक्वल्स टू रूट में 121, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी नंबर रूट से बाहर निकलता है तो उसे हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का 121 होता तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाता, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि जो भी नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस 11 ही होगी, ठीक, समझ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर रूट में क्यूब हो, इस तरह से, सबसे पहली चीज ये नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका है क्योंकि इमेजिनरी नंबर बन गया है, रूट के अंदर कभी माइनस में आता है तो इसे 1331 आयोटा लिखते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना है, हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो आप बस इतना याद रखो, रूट के अंदर कोई भी नंबर आएगा इस तरह से नहीं ले सकते हैं, हमेशा इस तरह से लेना, वो हमेशा प्लस में आएगा, और अगर किसी की पावर 2 है तो हमेशा प्लस माइनस में आएगा। चीज आप समझ गए, क्लियर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आई होप इस कॉन्सेप्ट में कहीं भी गलती नहीं होगी, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट आप बहुत इजीली निकालना सीख चुके होंगे, राइट। क्यूब रूट मैंने सिखा दिया, स्क्वायर रूट ऑलरेडी बहुत बार सिखाया हुआ, आपको ट्रिक भी पड़ी हुई है। चलो अब यहाँ देखते हैं ये क्या है, इसका तो हमारा आंसर आ गया था। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ पावर्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना रखा है, कुछ है नहीं एक्चुअल में। यहाँ देखो होल की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी पावर 2 है, तो मैं इसे हटा देती हूँ। 1/4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/2, तो x की पावर हाफ है बेसिकली यहाँ पे, या फिर x रूट में है, अपॉन में 16 है, इज इक्वल्स टू 144 अपॉन x की पावर 3/2। ये मैं लिख रही हूँ ताकि आपको इस पे नहीं, इस पे ध्यान रहे, ठीक है, आप ऊपर नहीं ध्यान देना, नीचे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे बेसिकली आप ध्यान से दो, ये लिख दिया है, आपको नहीं लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो x की पावर है और x की पावर है, यहाँ है 3/2 और यहाँ है 1/2। जब 3/2 मतलब क्या है, 1.5, डेढ़ है ना, और यहाँ क्या है, आधा, डेढ़ प्लस आधा बन जाता है 2, मतलब बेसिकली क्या है ये, एक्स स्क्वायर। अभी दूसरी साइड देखो, 144 को लिख सकते हो 12 × 12, यहाँ क्या है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर मतलब 16 × 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 12 और 1 16 कट जाएगा क्योंकि इस साइड रूट लगेगा, बेसिकली रूट क्यों, तो आपके पास 192 आ गया, क्या एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 192। लेकिन आपने ध्यान दिया यहाँ पे स्क्वायर था, अब यहाँ पे स्क्वायर था तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस की 192। क्या आपको क्लियर है हमने कैसे करा, ये सारे स्टेप्स जो मैंने लिखे हैं आप लिखोगे नहीं, आप करोगे, ठीक है। किस तरह से करोगे, आप देखोगे भाई यहाँ डेढ़ पावर है, यहाँ आधी पावर है, तो 2 पावर होगी, 144 12 का स्क्वायर होता है और ये 16 का स्क्वायर होता है, तो सीधा 12 और 16 को मल्टीप्लाई करो, 192 आ जाएगा। 192 x की वैल्यू है, और क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ प्लस माइनस है, आप इसे दिमाग में कर सकते हो, मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मैं आपको समझा रही थी, ठीक है। चलो यहाँ देखो सेम चीज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, y है मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब पावर ऐड हो सकती है। 1/3 और 2/3 को जब आप ऐड करोगे तो 3/3 आ जाएगा, 3/3 मतलब कट के 1 ही हो जाएगा, y 1 है। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई में y 1 है, दूसरी साइड क्या है, 16 × y² मतलब y 2 है, और दूसरी चीज क्या ध्यान देना है, हमेशा प्लस माइनस का साइन तो नहीं है ना कहीं बीच में, अगर प्लस माइनस का साइन होता तो हम यहाँ से यहाँ पे कट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब क्योंकि कहीं प्लस माइनस का साइन है ही नहीं, टीम स्प्लिट नहीं हो रही है, तो ये कट कर दो। अभी देखो 16 वहां मल्टीप्लाई में दूसरा जाके डिवाइड आ जाएगा, y की वैल्यू 16 से, तो 194 आपके पास आ गया, y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 194। अब देखो यहाँ पे क्या, आपने स्क्वायर से एक y से एक y कट करा था, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि आपने स्क्वायर रूट कहीं पे लगाया, तो यहाँ पे y की वैल्यू प्लस में आ गई 194। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है और वहां सिर्फ प्लस है, 194 इन दोनों ही नंबर से बड़ा है, 192 से भी 194 बड़ा है, माइनस के 192 से भी 194 बड़ा है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, y इज ग्रेटर देन x,
फाइन, आप समझ गए किस तरह से करा, इजी था क्वेश्चन, आई होप आप इसे जल्दी से कर पाओगे, है ना, बहुत इजी था। चलो करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा या प्रैक्टिस करा होगा, तो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। यहाँ स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ देखोगे x की पावर 4 और x स्क्वायर कुछ इस तरह से गिवन है, और यहाँ से आप कॉमन भी नहीं ले सकते क्योंकि एंड में 1 गिवन है। अगर x स्क्वायर होता 1 की जगह तो हम x स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते और इजीली आंसर्स आ जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हो x की पावर हाईएस्ट पावर 4 है, तो मैंने क्या बताया था, जो हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स आएंगे, हाईएस्ट पावर 4 मतलब रूट्स कितने आएंगे, टोटल 4, ठीक है। अभी देखो सपोज मैं बोल रही हूँ ये आपको सॉल्व करना, आप क्या करो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह ए ले लो और एक्स की पावर 4, देखो एक्स स्क्वायर अगर ए है तो एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 4 जस्ट डबल है, तो ए स्क्वायर ए का जस्ट डबल ए स्क्वायर हो गया। तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बनी, 4a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब चार के क्या फैक्टर लोगी, 5 बन जाए तो 4 बन जाए 4, आपने टाइम नहीं लगाया। अब माइनस प्लस है पहले साइन का जस्ट ऑपोजिट, और प्लस देखेगा माइनस तो अच्छा है, तो भाई मैं चेंज नहीं होता हूँ, प्लस प्लस आ गया आपके पास। अब यहाँ देखो प्लस प्लस, अच्छा मैंने चीज में आपको ट्रिक बताई हुई है ना, देखो कॉन्स्टेंट प्लस प्लस है और बीच वाला यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या आना चाहिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक बार चेक करते हैं क्या ये चीज अप्लाई होगी कि नहीं होगी आपके शांति के लिए। चलो यहाँ पे हमने निकाल ली है, अभी उधर देखते हैं क्या। अच्छा एक बार बताओ क्या ये एक्स की वैल्यूज आई हैं, अभी ये किसकी वैल्यूज निकालनी, क्योंकि हमने ए की वैल्यू निकाली है और ए किसके इक्वल है, ए इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो ये 4 किसके इक्वल है, 4 इक्वल है एक्स स्क्वायर के और 1 भी इक्वल है एक्स स्क्वायर के। तो अब मैंने बोला था पावर इवन, तो भाई दो शक्ल हो जाएंगी, प्लस माइनस का 2 आंसर आ जाएगा एक्स का यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लस माइनस का 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो 1 अगर रूट में जाए तो ऐसा कैसा ही बाहर आ जाता है, ठीक है जी। आपको ये चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया। यहाँ देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, 14 बनाना है, 14 माइनस 2 तो होता नहीं है, 7 टू 14 तो 7 प्लस 4 आ गया, पहले बड़ा फिर छोटा लिखो, प्लस है तो साइन ऑपोजिट और यहाँ पे भी प्लस है तो साइन ऑपोजिट। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ जो हमारा कोफिशियंट था ये था 4 और यहाँ था 2, तो 2 2 4 मेन इफेक्ट कितना देना, हमें देना दो नंबर का इफेक्ट, मतलब 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लो माइनस 14 और माइनस 8, ठीक है। अभी आप देखोगे जरा कंपेयर करोगे तो देखोगे भाई प्लस 2 ऑब्वियसली बड़ा है, प्लस 1 ऑब्वियसली बड़ा है, माइनस 2 माइनस 14 से बड़ा है, माइनस 8 से बड़ा है, माइनस 1 भी ऑब्वियसली दोनों से बड़ा है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन y, हमारी ट्रिक काम कर गई, मतलब आप सोच लो ऐसे खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन में ट्रिक काम कर जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता ना। चलो नेक्स्ट चलो, ठीक है हमें क्वेश्चन वैसे समझ आ गया ना। देखो अब यहाँ देखो कुछ है नहीं, हमें बकवास कर रहे हैं ये लोग, देखो डिवाइड है 9, तो डिवाइड बाय 9, डिवाइड है x की पावर 3/5, डिवाइड है x की पावर 3/5। अब आप क्या देखोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब ये 9 × 169 हो जाएगा और यहाँ पे x की पावर है 7/5 इंटू एक्स की पावर है 3/5। अब देखो बीच में मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगे, 7 + 3 होता है 10, 10/5 मतलब 2, ये पूरा कट के क्या गया 2, बेसिकली x का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 9 × 169। ये तो हमें नंबर देखते ही पता चल गया था भाई 169 और 9, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा था वही कंसेप्ट ये भी फॉलो कर रहे हैं। तो भाई 169 होता है 13 का स्क्वायर और 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 39, ठीक है। अभी आप क्या सोचोगे भाई कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर था तो प्लस माइनस तो हमें लगाना ही पड़ेगा, हमारा ट्रेडिशन है। चलो ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये वाला सही हो चुका है। अब जरा नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन आपसे क्या कहती है, देखो डिवाइडेड बाय वाई की पावर हाफ है, मतलब अपॉन में लिख लो वाई की पावर हाफ है। अभी यहाँ ये डिवाइड में दूसरे जाके तो मल्टीप्लाई होने वाली है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन है, कहीं प्लस माइनस नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। 1/4 और 1/4 मिला के हाफ बनता है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के अगर y की पावर हाफ हो जाएगी और एक और y की पावर हाफ यहाँ से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, क्योंकि उस साइड तो वो डिवाइड में है, ठीक है, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है और दूसरी साइड जाके सीधा सीधा डिवाइड में जाएगा, 7 या 21 और 7 × 63, ठीक है 39 आपके पास आ गया। और हाफ और हाफ जब आप प्लस करते हो तो क्या बनता है, एक बनता है, तो y की पावर 1 बेसिकली क्या आ गई, 39। और ये कैसा है, ये प्लस का है,
अगर अब ये प्लस का है और यहाँ देख लो ये प्लस माइनस है, तो एक जगह तो आ रही है भाई 39 39 के इक्वल है, x इज इक्वल टू y, और जब ये माइनस का होता है तो y बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है, समझ आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, करते हुए मजा आ रहा है ना, देखो मैथ्स वो चीज़ है जिसे करते हुए मजा आता है, सॉल्व करने में बढ़िया, ठीक है, एकदम तगड़ा सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा था पावर का खेल, अब करते हैं, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए हैं, यू कैन जस्ट ट्राई दीज, ठीक है, बताओ मुझे आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो जरा ट्राई करते हैं। आगे आपके पास टाइप फोर, टाइप फोर बहुत ईजी है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसे बोलते हैं बच्चों का खेल, एक्चुअल में बच्चों का खेल है, आपको ना रिडल की तरह भाई जब बोर हो रहे हो कुछ नहीं करने के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लो, ठीक है, मैं तो इसी तरह से करती हूँ। तो 3x plus 5y is equals to 4, 6x plus minus 7y is equals to 25. करना क्या है ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया था कोफिशियंट क्या होते हैं, जो x और y मतलब वेरिएबल्स के सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं, राइट, तो मतलब x का कोफिशियंट 6 है और 7 का कोफिशियंट y है, मतलब y का कोफिशियंट 7 है, आप समझ गए ना, टंग ट्विस्ट हो जाता है, टंग स्लिप हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, भाई जो x के आगे नंबर है और x के आगे नंबर है, या तो इन्हें एक दूसरे के इक्वल कर दो, या तो इन्हें एक दूसरे के इक्वल कर दो, अब आपको पता है 3 को आप 6 बना सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, या फिर जो y के आगे नंबर है 5 और y के आगे जो नंबर है 7, दोनों इक्वेशन में उन्हें एक दूसरे के इक्वल कर दो, तो इन्हें इक्वल करना है, तो भाई 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक ही बात है। अब आपको दोनों एक साथ तो करने नहीं है इक्वल, किसी एक कोफिशियंट को लो, या तो x वाले को लो या फिर y वाले को लो, और एक दूसरे के इक्वल कर दो, ठीक है। अभी देखो हम एक्चुअल में करेंगे क्या, हमें हमेशा चूज करना है छोटा वाला, जिसमें मल्टीप्लीकेशन छोटा हो रहा और हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो भाई मुझे दिख रहा है इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बहुत ईजीली मेरे पास आंसर आ जाएगा, तो कर देंगे 6x 10y = 8। यहाँ पे क्या है, 6x - 10 7y = 25। अभी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या है, 6x में 6x प्लस हो जाएगा अगर मैंने साइन चेंज नहीं करा, और मुझे प्लस नहीं करना है एक्चुअल में, हमने कोफिशिएंट सेम क्यों करे, क्योंकि हम उसे काटना चाह रहे थे, तो कटेगा कैसे भाई, इसका साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, अब भाई पूरी इक्वेशन का साइन चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ एक का साइन चेंज नहीं कर सकते, तो माइनस की जगह कर दो प्लस, प्लस की जगह कर दो माइनस, अब 6 से 6 कट गया, यहाँ पे प्लस होके आ जाएगा 17y, अब यहाँ पे करोगे तो भाई माइनस होगा और 17 आ जाएगा, और साइन किसका रहेगा, क्योंकि 25 का साइन अब माइनस है और 25 ही बड़ा है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1, ठीक है। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 ही इसका मैक्सिमम सॉल्यूशन आने वाला है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगी वही उनका सॉल्यूशन पॉइंट होता है। फाइन, अब यहाँ देखो, अच्छा तो डन हो गया, y की वैल्यू आपके पास आ गई, अब आपके पास ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन में से आपको जो इक्वेशन इजी लगती है उसमें वैल्यू पुट करो। भाई मुझे लग रहा है कि ये वाली इक्वेशन थोड़ी छोटी और इजी है, तो 3x + 5y = 4 मैं यहाँ लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। यहाँ पे y की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा -5, दूसरी साइड जाके +5, 4 + 5 = 9, तो 3x = 9, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3। आप इसे मन मन में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एक दो स्टेप तो मुझे लिखना पड़ेगा ना आपके लिए, समझ गए आप, आई होप इट्स एक्सट्रीमली क्लियर टू यू ऑल। देखो y की वैल्यू क्या आई -1, x की वैल्यू आ गई 3, तो आप बता सकते हो कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज करनी है भाई, देखो 10x = 13 45x, अच्छा मुझे दिख रही है ये वाली क्वेश्चन छोटी है, तो अनवे इसमें पुट कर लेंगे, देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा और यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो अभी हम क्या देखेंगे कि भाई देखो हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन, दूसरा सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन जिसमें एक की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर एलिमिनेशन से ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपको बड़ी वैल्यू दी होती है और सब्सटीट्यूशन से बड़ी वैल्यूज में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, तो अभी चलो ज़्यादा बात नहीं। यहाँ देखो 6 4 24 होता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हम 4 पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को इजीली आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि भाई नहीं मुझे तो x वाले को इक्वल करना है, तो देखो यहाँ 10 है और यहाँ 45 है, ठीक है, तो मैं दोनों को किसी सेम नंबर के इक्वल ले आती हूँ, 90 के इक्वल, तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर आपको वो नहीं करना है तो 5 2 जा, हाँ ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग भी वही बन रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैं 9 और 2 से नहीं कर रही हूँ, आपको करना है तो आप कर सकते हो, हमें कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी है, तो मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई करूँ 40x। आपको इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है वो वैल्यू बड़ी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो मुश्किल हो, कहीं तो फंसाएं बच्चे को, कहीं तो टॉर्चर करें,
कोई बात नहीं, हम टॉर्चर होने वालों में से है नहीं, ठीक है। चलो तो 24 24 यहाँ प्लस में आ रहा है, हमें दिख रहा है भाई साइन, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। कर दिया साइन चेंज, यहाँ क्या आ गया माइनस का 5x और उधर क्या आ गया माइनस का 4। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब x की वैल्यू जब 4/5 आ ही चुकी है तो हमने कहा भाई y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, 10x + 6y = 13। x की वैल्यू आई 4/5, तो अगर मैं 4/5 रख दूं, 5 × 2 = 10, 8, और 8 उधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/6, ठीक है। 5 8 था ना, उधर गया, ठीक है, 5/6 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो अभी आप बताओ कौन सा बड़ा है, देखो 5 ही आ गया 0.8, ठीक है, और यहाँ से करोगे 36.7, 46, 48, 48 और 2, ये बड़ा है थोड़ा सा, या फिर 48 और 18, ये 8.3 है, और ना 0.83, क्या कर रही हूँ मैं, 0.83 है। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो हमने परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट पता है ना, 4/5 का क्या मतलब है कि 100/125 है, और ये है 125/150, ठीक है। तो आप देख लो कौन सा है, जिस भी थ्रू निकालना चाहो आंसर आना चाहिए। तो 0.83 बड़ा है, मतलब y इज ग्रेटर देन x, और यहाँ पे प्लस माइनस के साइन की झंझट नहीं होते हैं, कितनी अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आई गेस ये आपको लीनियर इक्वेशन वाला काफ़ी क्लियर होगा, और ये काफ़ी ईजी भी है ना। चलो तो आप इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, अपना हाथ साफ कर लो इन क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी करेंगे लास्ट टाइप, और लास्ट टाइप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये बच्चों को पता नहीं यार क्यों डर लगता है, कुछ नहीं है क्वेश्चन। अब आपके पास आ चुका है फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप को बोलते हैं हम खौफ अंडर रूट, मतलब रूट का खौफ जो आपके अंदर फैला हुआ है, लेकिन वो हम निकाल फेंकेंगे, कुछ होता नहीं है क्योंकि इसमें देखो यहाँ आपको डर लगा भाई ये रूट 7 क्या है, ये रूट 5 क्या है, और चांसेस हैं कि आपने पहले ही सॉल्व कर रखे हो ये क्वेश्चन, ठीक है, और आपको आते भी हो, तो एक और बार सीख लो इन क्वेश्चंस के आंसर निकालो। देखो जो भी आपके पास रूट वाला नंबर है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रूट 7 है, भाई मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसे हटा देती हूँ, लेकिन हटाने के लिए कंडीशन है कि लास्ट वाले नंबर को जो कि कॉन्स्टेंट है, बिन एक्स वाई के होना चाहिए, उसे डिवाइड कर दो उसी नंबर से जो कि रूट में है, जो रूट में है उसी नंबर से डिवाइड करो। तो 7 × 1 = 2 आ गया 12, ठीक है। अब इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। अब 12 की क्या फैक्टर बनाओ कि भाई 7 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 और 3 बना लो, ठीक है। अभी माइनस है तो साइन उल्टा, पहले देखा तो भाई ये तो अच्छा है, मैं साइन चेंज नहीं करूंगा, माइनस प्लस का हमेशा प्लस प्लस में आता है, फिर से माइनस प्लस का हमेशा प्लस प्लस में आता है। अच्छा एक बार बताओ, अगर मेरे पास ऐसा होता इसके माइनस की जगह ये प्लस होता तो मैं क्या करती, मैं कह देती कि भाई x बड़ा है y से, क्योंकि वहां सीधा ट्रिक लग जाती, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करते वक्त, क्योंकि मेरा मेथड पे ध्यान है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन पे मैंने ट्रिक अप्लाई नहीं करी हो, आप ध्यान रखो इस चीज़ का कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करो उस पर कोशिश करो पहले ट्रिक अप्लाई कर लो, है ना। तो अब यहाँ देखो माइनस प्लस है आपके पास, दोनों साइन सेम ही आएंगे, तो मतलब प्लस प्लस आने वाला है। अभी देखो यहाँ पे क्या है रूट के अंदर 5, तो 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 6, तो इक्वेशन क्या बनी y² - 5y + 6, तो 6 के बनाओगे 3 और 2 बन गए हैं। चलो ठीक है, अभी देखो y और x स्क्वायर के आगे कोई कोफिशियंट नहीं है, तो मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। अभी दूसरी चीज़ आपको अच्छा, हाँ हमने रूट 7 यहाँ से गायब करा था, तो यहाँ रूट 7 लगा दो, ठीक है, और उसमें से क्या गायब करा रूट 5, तो यहाँ रूट 5 लगा दो। अब आप कहोगे भाई ये नया झमेला आ गया, अभी रूट 5 के साथ कैसे मैं इसे कंपेयर करूँ। कुछ लोग आपको कहेंगे कि भाई ये रूट 5 ना रूट 2 3 4 5 4 का तो आपको पता ही है, ठीक है, 6 7 8 ऐसे, मतलब थोड़े बहुत स्टार्टिंग के लर्न कर लो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है, लेकिन मैं कह रही हूँ यार छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर लेते हैं। रूट से सबसे बढ़िया बचने का तरीका क्या है, स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 × 7 9 × 7, और ये 9 × 5, और ये 4 × 5, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर से रूट कट जाता है। अभी मुझे बता दो, देखो साइन तो प्लस के ही है। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, यहाँ पे जब हम स्क्वायर कर रहे हैं हमारा एकमात्र एजेंडा क्या है कि भाई ये क्या बोलते हैं रूट हट जाए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आप स्क्वायर कर रहे हो लेकिन प्रॉपर स्क्वायर मत करो, मतलब ये साइन मत हटाना। देखो यहाँ तो प्लस प्लस ही है दोनों केसेस में, तो साइन मुझे हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा होता कि ये 3+ का होता और ये माइनस का होता, तो मैं एंड में रूट लगाने के हटाने के बाद भी हम माइनस लगा देती, क्योंकि एक्चुअल कंपैरिजन हमें उन्हीं नंबर्स का करना है। आप समझ गए मेरी बात, बहुत बढ़िया, मतलब माइनस कहीं भी आएगा तो स्क्वायर करने के बाद वो माइनस हमें नहीं हटाना है,
क्योंकि हमें उन्हें काइंड ऑफ रॉ फॉर्म में चाहिए, ठीक है। स्क्वायर क्यों करा? क्योंकि हमें रूट हटाना था। और ये मेथड एकदम वेरीफाइड है, कंफ्यूज नहीं होना है या डाउट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब मुझे बता दो, 16 × 7 सारे ही नंबर से बड़ा है, तो पहले मुझे लगा कि भाई एक्स तो बड़ा है वैसे, फिर 9 × 7 9 × 5 से भी बड़ा है, 4 × 5 से बड़ा है, फिर से मुझे लगा भाई एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो मैंने जो पहले स्पेकुलेट करा था कि अगर यहाँ पे साइन प्लस होता तब ये वाला एक्स बड़ा हो जाता, अभी भी वही कोइंसिडेंटली आंसर आ चुका है। ट्रिक नहीं है, कोइंसिडेंटली हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपने बहुत इजीली सॉल्व कर दिया, बहुत बढ़िया। इस तरह के आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उन्हें भी सॉल्व कर लोगे, बस कॉन्फिडेंस रखो आप कर सकते हो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, 63x और यहाँ पे है रूट एक्स, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी तक तो ये नहीं है, लेकिन जल्दी ही बन सकती है अगर हम इसे स्क्वायर कर दे तो। लेकिन अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे, यही आपके दिमाग में चल रहा होगा, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भाई पूरे इक्वेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब 63 का भी स्क्वायर, 194 का स्क्वायर, 143 का स्क्वायर, और अगर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज आप हमेशा एक चीज नोटिस कर सकते हो, हम हमेशा बीच वाले का, जैसे कि यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, तो हम वैल्यू एक्चुअल में एक्स की निकालते हैं, मतलब बी एक्स, जो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हर बार निकालते हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर लूँ और नॉर्मली ही सॉल्व करूँ तो एक्चुअल में वैल्यू किसकी आएगी, रूट एक्स की आएगी, किसकी आएगी, रूट एक्स की आएगी। लेकिन अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो भाई हमने अभी करा तो था कि भाई इसे ले लो ए स्क्वायर, इसे ले लो ए, है ना, जब हमारे पास x की पावर 4 गिवन थी, उसमें बड़ी पावर थी, इसमें ज़्यादा छोटी पावर है, तो 63 ए स्क्वायर माइनस 194 ए प्लस 143, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बाद में हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो देखो 143 को आपको पता है 11 × 14 होता है, ठीक है, 63 होता है 9 7 9, को लिखोगे 3 3 से आ गया 7 7। अभी देखो 194 है, मतलब आपको क्या करना है, माइनस या प्लस करके 194 आना चाहिए, मतलब डिफरेंस बीच में उन नंबर्स के काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 13 को ले लूँ और एक 7 को ले लूँ, क्योंकि 13 11 सा 143 और 63 को तो प्लस करके नहीं आ रहा, माइनस करके तो बिल्कुल नहीं आ रहा, तो 13 7 सा कितना होता है आपके पास, 91, ठीक है, और 11 और ये 99, 11 3 सा 99 होता है, ये तो 9 × 18 = 19, तो 190 आ गया, 194 नहीं आ रहा, लेकिन ये काफ़ी पास है फिर भी। तो मैं क्या करती हूँ, 11 और 7 इन दोनों बड़े नंबर को ले लेती हूँ, 77 और 39 आपके पास आता है 117, इन दोनों को प्लस करोगे तो हाँ जी 194 ही आता है, तो क्या आ गया 117 और 77। अब देखो माइनस प्लस का तो प्लस प्लस में आता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई हुई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ 63 था कोफिशियंट, तो इसका भी हम करेंगे इलाज, लेकिन अभी आगे चलते हैं, यहाँ भी हम सेम तरीके से करेंगे, 9 को लिख देंगे 3 × 3 और 11, 150 को लिख सकते हो 2 × 75, 75 को लिखोगे 3 × 25 और 25 को लिखोगे 5 × 5 = 25, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी फिर से हमारे लिए ये ए स्क्वायर है और ये ए है, या फिर आप डायरेक्टली रूट वाई की वैल्यू निकाल रहे हो, इस तरह से समझ सकते हो। चलो ठीक है, आपको निकालना है 150 और फिर से 255, काफ़ी बड़ा नंबर हमें निकालना है, काफ़ी बड़ा नंबर निकालना है, मतलब हमें बड़े बड़े नंबर को एक टीम में रखना चाहिए। 5 × 5 = 25, 3 × 75 मैंने एक टीम में रख लिया, ये सोच के कि भाई यहाँ पे 5 है एंड में, 2 और 99 का आएगा 198 और 175 को कोई हालत ही नहीं है कि आपके पास 225 आ जाए, कोई चांस नहीं है। फाइन, सो लेट्स मूव ऑन, कुछ और देखते हैं। तो मैं बड़ा नंबर यहाँ पे 15 बना लेती हूँ, ठीक है, और 15 की बड़े नंबर के साथ 11 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 165 आएगा, एक पेयर मैंने बोल दिया, एक नंबर बोल दिया पेयर में से, 165 बचा 9 और 10, 9 × 10 = 90, प्लस करके आ जाएगा आपके पास 255, बहुत बढ़िया हमारे पास आ चुके हैं 165 और 90, फाइन। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, माइनस प्लस का आंसर हमेशा प्लस प्लस में आता है, कितनी अच्छी बात है। और ये सोचने की बात है कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये किसकी निकाली है, ये आपने रूट वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये आपने किसकी निकाली है, रूट वाई की वैल्यू निकाली है, इसी तरह से ये आपने वैल्यू रूट एक्स की निकाली है। और कॉन्सेप्ट वाइज देखे जाए तो यहाँ पे आपने ए की वैल्यू निकाली है और ए रूट एक्स के इक्वल है, यहाँ पे आपने बी की वैल्यू निकाली है और बी रूट वाई के इक्वल है, किसी भी तरह से आप देख सकते हो। अभी अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो भाई मुझे इस वाली इक्वेशन में ये 63 है और वो 99 है, दोनों 9 की टेबल में आते हैं, 9 7 = 63 और 9 11 = तो उसे मुझे यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा और ये 7 को मुझे उधर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से आप लिख दो, ठीक है, ये जो फालतू की चीज़ें लिख रखी है मेरे पास हैं। अभी ये जो वैल्यू आई है ये आई है आपकी रूट एक्स की वैल्यू और वो आई है रूट वाई की वैल्यू, तो ऑब्वियस है कि हमें इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर तो दोनों ही साइड हो रहा है,
स्क्वायर तो दोनों ही साइड हो रहा है, जितना बड़ा नंबर उतना बड़ा स्क्वायर, जितना छोटा नंबर उतना छोटा स्क्वायर, तो मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत है। आपको भी स्क्वायर नहीं करना है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो यार। एक बात बताओ, मैंने बोला एक जगह 3 लिखा है, एक जगह 4 लिखा हुआ है, अगर मैं 3 का स्क्वायर कर लूँ और 4 का स्क्वायर कर लूँ तो कौन से स्क्वायर अलग हो जाएंगे? बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा ही रहेगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, तो स्क्वायर नहीं करना है हमें, ऑब्वियस। ठीक है चलो, अभी साइन की यहाँ पे दिक्कत थी, दोनों प्लस प्लस में थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है अभी देखो, 117 × 11 इससे तो बड़ा है, और 165 × 7 इनमें हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 77 × 11 इससे तो बड़ा है, नो रिलेशन ही था वैसे तो आंसर। चलो तो एक बार कर लेते हैं, 11 7 77 7 18 1, तो आ गया 1287। इसे भी कर ही लो, क्या ही करोगे, तो 7 11 7 77 7 77 प्लस 7 77 384, 847। अगर यहाँ पे देखोगे 35 3 42 5 4 11 1155 और 9 7 63, फाइन, यू गॉट द आंसर। अभी देख लो, अभी आप कंपेयर कर लो, 1155 1155 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, बड़ा छोटा एक साथ आ गया, मतलब नो रिलेशन आपके पास आ चुका है। ठीक है अभी जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो आपको लग रहा है कि हाँ भाई यार ये तो लेंथी है, लेकिन यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा घुसा रखा है उन्होंने। अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएंगे, आपके मार्क्स कटवाने की कोशिश करेंगे, तो इसी तरह से तो करेंगे, और ये आपका स्कोरिंग पार्ट है। ठीक है आप इसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप इसमें शाइन करोगे, ठीक है, उतना ही बढ़िया रहेगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक बढ़िया रहा, चलो करते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसके। क्या लिख रहा है कि भाई रूट में 5 है तो 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, यहाँ पे हमारे लिए कुछ नहीं बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है, तो 2 के क्या फैक्टर लोगोगे भाई, 1 आ जाओगे भाई, 2 और 1, ठीक है 2 माइनस 1 1 होता है। अभी देखो यहाँ प्लस है तो साइन उल्टा, माइनस देखेगा भाई ये तो बुरा है, मैं तो चेंज हो जाऊंगा। चलो अब यहाँ देखो 5 है तो 5 से कट गया 10 बार में, 10 के क्या फैक्टर बनाओ कि 9 आ जाओगे, 10 माइनस 1 तो भाई 9 होता है। अब क्या किया जाए भाई, प्लस है तो साइन चेंज, अब प्लस ने पीछे देखा भाई नहीं मैं तो चेंज हो जाऊंगा। ठीक है अब यहाँ देखो क्या चल रहा है, इधर अभी उधर कोफिशियंट क्या है भैया, इधर तो 2 है तो यहाँ कहेंगे चलो भाई कर दो मल्टीप्लाई, तो आ गया -4 और +2, वहां देखोगे -10 और -1 ही है अभी, तो लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली -4 10 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, 2 दोनों से बड़ा है लेकिन 2 से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप -4 को देख रहे हो तो आपके दिमाग में घंटी बज चुकी होगी कि भाई -4 10 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है और अगर यहाँ पे आप ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो ट्रिक यहाँ पे कोई सी भी अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली साइन देख के करते हो ना इस वाले क्वेश्चन को, यही वो क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रही थी जिस टाइम पे मैं ट्रिक समझा रही थी, जैसे कि यहाँ पे माइनस माइनस है ठीक है और यहाँ पे माइनस प्लस है, तो आपको ये पता है प्लस तो हर हालत में बड़ा होने वाला है, वो तो सोचने की बात नहीं है, तो वो इसलिए मैंने ज्यादा इस पर फोकस नहीं डाला जब मैं अभी आपको समझा रही थी। लेकिन मैंने -4 को दो बार समझाया आपको, क्यों समझाया, क्योंकि भाई ये जो -4 है ये आपको नहीं पता कि इन दोनों के बीच का नंबर निकल सकता है, हो सकता है इन दोनों से ही बड़ा, मतलब बड़ा तो क्या ही होगा, कोई छोटा नंबर निकल जाता है इस तरह से हो जाता, तो वो डिपेंड करता है और उसी चीज पे आंसर बहुत ज्यादा डिपेंड कर सकता है बहुत बार। ठीक है क्योंकि अगर -4 -11 होता ना यहाँ पे -11 +2 होता तो ये बड़ा हो जाता, -11 छोटा हो जाता फिर भी। लेकिन अगर ये वाला नंबर, ठीक है अगर यहाँ पे ये वाला नंबर -1 की जगह -5 होता, ठीक है, तो वो दोनों ही नंबर इन दोनों नंबर से छोटे हो जाते, तो आप हम गारंटी के साथ नहीं बोल सकते ना, कुछ भी केस बन सकता है, इसलिए नो रिलेशन आ सकता है, ग्रेटर देन या फिर स्मॉलर देन भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे आप ट्रिक मतलब सीधा बैट मत लगाओ। ठीक है समझे, गलत नहीं करना है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दो, प्रैक्टिस करते वक्त अपनी ट्रिक्स बनाओ और वैसे एग्जाम में वही चीजें लगाओ जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। क्वेश्चन देखो, देखने में कितना खतरनाक लगता है लेकिन एक्चुअल में ये कितना ज्यादा इजी है। आपको याद है मैंने आपको कुछ चीज बताई थी स्टार्टिंग में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्चुअली माइनस होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और देखो ये एग्जैक्ट वही चीज बनी हुई है। ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, क्या बताया था, अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं, तो आपको उसी चीज़ का यहाँ पे इस्तेमाल करना है एक्चुअल में, इसी चीज़ के लिए मैंने आपको उस टाइम पर वो चीज़ समझाई थी। बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो,
भाई अल्फा है यहाँ पे 6, कंपेयर करो, पहला रूट आ गया 6, दूसरा रूट बीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, रूट 17, खत्म। ठीक है, दूसरी साइड जाओ। अच्छा साइन देख लो, यहाँ देखो ये वाला साइन माना जाएगा माइनस और प्लस वाला, माइनस है भाई साइन चेंज, प्लस देखेगा ये तो अच्छा है तो प्लस आ गया। ठीक है अभी दूसरी साइड चलो, यहाँ पे क्या आ गया 15 और 17। ठीक है 17 के आगे का साइन नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ वाला देखना है भाई, ये माइनस और माइनस, माइनस है साइन चेंज, माइनस पीछे देखेगा माइनस बुरा है, मैं साइन चेंज कर लूंगा। ठीक है तो माइनस माइनस आपके पास आ गया। माइनस ने साइन चेंज करा, प्लस ने पीछे देखा, माइनस अच्छा है। अच्छा ये तो यहाँ तो माइनस आएगा ना, ठीक है तो यहाँ प्लस माइनस आ चुका है। अब आप देखो यहाँ कोफिशियंट के पास भाई ये 5 है और यहाँ तो 3 है, तो 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ गया 30 और आ गया 5√17, और 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 45 और 3√17, वो भी माइनस का। ठीक है और यहाँ पे तो दोनों थे ही प्लस के, तो अब एक और चीज़ कर सकते हो। ठीक है इसके अलावा भी एक और चीज़ भी आप कर सकते हो कि 6/3 कर लो, मतलब इसके कोफिशियंट से इन्हीं नंबर्स को डिवाइड कर लो, 6/3 कर लो और √17/3 कर लो। अब फिर ये भी देख लेना, ये तो कट जाएगा सीधा 2, अब इसे काटते रहो तुम बैठ के, करोगे क्या नहीं करोगे, लेकिन हाँ आप ये कर सकते हो कि √17 को आप √16 के बहुत पास है तो 4/3 से ले सकते हो। ठीक है आपको पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, आपको पता भी होंगी राइट। चलो तो ये सारी चीजें हम मिटा देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। हाँ जी तो अब देखिए, अब जरा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है यहाँ 30 है, 5√17 है, सब है, तो यहाँ पे देखो हम रूट कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं, आई मीन रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है तो अब देखो 30 का स्क्वायर आपको पता है, 45 का भी स्क्वायर आपको पता है, आपको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे करोगे 5 × 17 आएगा, इसका आ जाएगा 900। ठीक है यहाँ 45 × 45, वैसे आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको पता है यहाँ आ जाएगा 25 और 5 × 4 = 20, 2025। ठीक है और यहाँ आ जाएगा 9 × 17 और वो भी माइनस का। अब आप देख सकते हो माइनस वो वाला तो सबसे छोटा है ही, तो आपको साफ साफ पता चल गया कि तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। दूसरी चीज क्या पता चली, 2025 उससे बड़ा है एक्स, अभी भाई वाई अभी तो छोटा बन रहा था, अभी वो एकदम से बड़ा बन गया, मतलब भाई इनके तो दिक्कत चल रही है ना, पता ही नहीं चल रहा है इन्हें करना क्या है। ठीक है तो नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। ठीक है बढ़िया था क्वेश्चन, पसंद आया, मजा आया ना करके। चलो तो जरा ये वाले क्वेश्चन अब आपको ट्राई करना है, ये वाले क्वेश्चन है जिनमें कि आपको अपना हाथ साफ करना है, बेसिकली इन्हें प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है यहाँ पे देखो ये वाली चीज है, यहाँ से आपके फैक्टर्स निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे। ठीक है क्या निकलेगा, 4 निकलेगा और √13 निकलेगा, फिर आप साइन डिसाइड करोगे कि भाई 4 बड़ा है, ऑब्वियसली 4 पहले रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा तो प्लस का 4, और √13 है तो √13 को ऐसे ही लिखोगे, और प्लस है पीछे देखेगा माइनस है, भाई हम तो सेम ही रहेंगे, तो 4√13 आपके पास आ जाएगा। अभी यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 10y² देखो, ये ना एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब प्लेसेस एक्सचेंज कर देते हैं कि यहाँ पे देखो कांस्टेंट है, ये एंड में आना चाहिए था लेकिन ये स्टार्टिंग में आ गया, तो आप देख लो इन्हें। ठीक है और यहाँ पे फिर आप जो आंसर आएगा इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 5 = 10 है, मतलब आपको आ गया। ठीक है आप इसे प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं। सेम चीज़ इस तरह के दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा इजी रहे, आपको क्वेश्चन ढूंढना ना पड़े, कंसेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाए। फिर ये सिंपल सी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 169 रूट से बाहर, 289 रूट से बाहर, इधर उधर जाके सिंपली हो जाएगा, और ये एक्स रूट से बाहर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर रूट से बाहर के अंदर है, बाहर है। ठीक है यहाँ वाई स्क्वायर रूट से बाहर है ये बिल्कुल, तो आप इसे भी सिंपली सॉल्व कर पाओगे, 270 उधर जाके प्लस हो जाएगा, फिर 361 19 का स्क्वायर होता है, तो ये 19 बाहर आके दूसरे जाके माइनस में चला जाएगा और आपका इजीली आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है अब यहाँ देखोगे, यहाँ ये सिंपली ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है, तो 6x² में से 3x² माइनस करो, इन्हें माइनस प्लस करके सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा उन्हें कंपेयर कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये आपके पास दो तरह के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया है, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है, आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे जब आप इसका क्यूब फाइंड करोगे तो किस तरह से करोगे। अच्छा ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है वैसे, आई डोंट थिंक सो, ये अच्छा यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, मैं एक और बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, फिफ्थ क्वेश्चन है 7x = 4y + 85, और इसका सेकेंड पार्ट है y³ = 175 76।
ठीक है, बेसिकली क्यूब हट के दूसरी साइड क्यूब रूट ही लग जाता है, तो यहाँ पे क्यूब रूट ही है बेसिकली। अभी आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, मैंने आपको बता रखा है कि भाई यहाँ पे ऐसे लगा दो, 2 का क्यूब 2, 3, 4, 5, 6, 6 का आता है तो एंड में से 6 एंड एंड होगा, किस एंड होगा, 6 एंड होगा, ठीक है, 6 एंड से 6 एंड में आ रहा है, इसलिए किस एंड होगा भाई, 6 एंड होगा, ठीक है। 17 से छोटा किसका क्यूब होता है, 2 का होता है 8, 3 का होता है 27, तो 2 आ गया 26, आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। बहुत ईजी थी, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत आएगी, आप सोचोगे भाई ये तो एलिमिनेशन से हम सॉल्व करते थे, हमने y पहले क्यों सॉल्व करा, सोचा आपने, क्योंकि यही y की वैल्यू उधर रखनी है हमेशा, कभी भी आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आपको एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी ही होती है, दैट्स कंपलसरी, फाइन। तो y की वैल्यू 26 आपको यहाँ रखनी है, यही मुझे बताना था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाते हैं तो उसकी वजह से बच्चों को उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अच्छा ये भी वाला, ये तो आप ऐसे कर लोगे, 36 है, क्या बनाओगे इसके, 9, 4, 13 होते हैं तो 2, 18 मतलब 2 और 9, 2, 18, 2, 36, ठीक है, 12 कैसे बनाओगे इसका, 6, 6, 12, सोचना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ ये समझाना है मुझे आपको, सपोज यहाँ पे है 3, 5 से 15 है, 15 को 2√15 कैसे बनाओगे, 15 को आप 2√15 कैसे बनाओगे, देखो ये चीज सुनो, आपके पास है 15, 15 को आप लिख सकते हो √15 × √15, आप कहोगे हाँ भाई क्योंकि √15 ये दो बार है तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट करके अल्टीमेटली हमारे पास 15 ही आना है, उसी कंसेप्ट के साथ ही बेसिकली खेल रहे हैं आपके साथ। ये क्या कह रहे हैं कि भाई एक है √15 और दूसरा भी है √15, और इन दोनों √15 को आप प्लस करोगे तब आपके पास आएगा 2√15, ठीक है। यहाँ बेसिकली क्या है, ये है 1√15, ये है 1√15, दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2√15, आप चीज समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन √15 √15 आ जाएंगे, साइन आप देख लो, माइनस प्लस का तो हमेशा प्लस प्लस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब आप इसे इजिली कंपेयर कर सकते हो, ऐसे नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां पे 5 है ना, यहाँ पे था हाँ, तो यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपके पास 30 30 आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस माइनस 30 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 15 है तो आप यहाँ पे स्क्वायर कर लोगे और आपके पास 225 225, और उधर स्क्वायर कर रहे हो तो इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन माइनस तो माइनस ही रहेगा तो ऑब्वियसली वो नंबर बड़े हैं, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली इससे बड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप साइन लगा सकते थे, यहाँ पे आप साइन की ट्रिक लगा सकते थे, क्या ट्रिक थी कि भाई यहाँ पे प्लस प्लस देखोगे तो रूट तो माइनस माइनस में ही आने दें और वो दोनों प्लस प्लस में ही आने हैं, तो हर हालत में y विल बी ग्रेटर देन x, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी क्योंकि वीडियो को बनाने में सही में बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशंस, बहुत सारे PDFs, अलग अलग बुक्स, बहुत सारी जगह से ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं। और अगर आपको लगा है कि आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ हम लोग मिलने वाले हैं न्यू वीडियोज़ में। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वन शॉट्स बनाऊँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पे आज हार्डनेस लेवल ज़्यादा था, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, या फिर बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, या फिर क्वेश्चन कम प्रैक्टिस कराए हैं, जो भी चीज़ हो आप मुझे अपना ओपिनियन, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन इट, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।